का हम ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं कि इन ट्रांजिशंस को किस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बताना चाहता हूं कि जैसे ही आप ग्रैंडिया की वेबसाइट से इन इफेक्ट्स को डाउनलोड करेंगे, बताना चाहता हूं कि डाउनलोड जो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर है, यहां से आप जैसे ही इन इफेक्ट्स को डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने एक जिप फाइल सामने आएगी। जिप फाइल को जैसे ही ओपन करेंगे एक आपके सामने इस तरह का फोल्डर आएगा। फोल्डर के अंदर देखेंगे तो ऑडियो इफेक्ट्स आपके सामने है, दो क्लिप दिखाई देंगे और यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट दिखाई देगा। दोस्तों तो जैसे ही आप इस जिप फाइल को ओपन करेंगे, इसके बाद आपने जिस प्रोजेक्ट पे इफेक्ट्स को यूज़ करना है वो प्रोजेक्ट ओपन करेंगे, भला वो वेडिंग है, प्री वेडिंग है या कोई अदर प्रोजेक्ट है, आपके सामने वो प्रोजेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है दोस्तों, एक बिन बना लेंगे, बिन इन द सेंस की इफेक्ट्स के लिए अलग से, न्यू बिन यहाँ पे लिख दूंगा मैं सिर्फ ओके। ओके के अंदर डबल क्लिक करना है दोस्तों आपने। यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना अपना जो प्रोजेक्ट है जो डाउनलोड किया है। डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे जहाँ पे आपने रखे हैं, जहाँ पे डाउनलोड करके रखे हैं, जैसे मेरे डेस्कटॉप पे प्रोजेक्ट इसके अंदर पड़ा है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये जो प्रोजेक्ट होगा इसके ऊपर डबल क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप आएगा प्रीमियर प्रो के अंदर, इंपोर्ट प्रोजेक्ट कर लेना है, ओके कर देना है इसे। ओके तो आपके सामने चार चीजें आएंगी, दो क्लिप आ जाएंगे, सीक्वेंस आ जाएगा और एक यहाँ पे म्यूजिक आ जाएगा दोस्तों। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ग्रैंडिया के ऊपर, डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे सीक्वेंस ओपन हो जाएगा। काफ़ी इफेक्ट्स हैं विद साउंड इफेक्ट है, और बताना चाहता हूँ कि मैं आपको प्ले करके देख सकते हैं आपकी कौन सा इफेक्ट्स आपने यूज़ करना है। मैं म्यूज़िक म्यूट कर देता हूँ, जैसे मैं प्ले करता हूँ तो देख सकते हैं ये लाइट लिक्स है, पैन, जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया गया। अगर दोस्तों इनमें से कोई भी इफेक्ट जैसे आपको ये पसंद आ जाता है, ग्लिचर इफेक्ट पसंद आता है, तो आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है अपना जो नीचे वीडियो को लॉक लगाना है, ऑडियो को लॉक लगाना है और इन दोनों को कॉपी कर लेना है, वीडियो और जो एडजस्टमेंट लेयर है और ऑडियो इफेक्ट को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। जैसे ही कॉपी करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको इफेक्ट दिखाई देगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट वाला सीक्वेंस है, यहाँ पे आप कंट्रोल वी कर देंगे तो वो जो इफेक्ट्स हैं इस साइड आ जाएंगे। अब यूज़ करने का ढंग ये है, यहाँ पे क्लिप मेरा एक सेकंड में दिखा दूँ कि यहाँ पे चेंज हो रहा है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, मैं इन दोनों के बीच में यूज़ करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मार्क लगा है कि जो सेंटर पॉइंट ये दे दूंगा मैं दोस्तों। जैसे ही आप इन्हें रख देंगे और यहाँ आपको रेंडर करना पड़ेगा इसको, जैसे रेड लाइन है इसे रिमूव करना होगा, इस इफेक्ट्स को रेंडर करना होगा दोस्तों। रेंडर करने के लिए आप यहाँ पे आई और लास्ट पे ओ इनपुट और आउटपुट लगाएंगे और रेंडर कर देंगे, एंटर दबाएंगे, यहाँ पे आपका जो इफेक्ट है वो रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों बताना चाहता हूँ कि ये जो अपने रेंडर हो चुका है, मैं प्ले करके दिखा देता हूँ, स्क्रीन बड़ी करके दिखा देता हूँ, अब प्ले करता हूँ। इफेक्ट विद साउंड इफेक्ट ये दोनों साथ में लग चुके हैं, तो मैं एक बार फिर से प्ले करके दिखा देता हूँ। इस तरह से आप अगला कोई दूसरा है, अब हम मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक, अब ये क्लिप है इस पर यूज करूँ, फिर अपने जो सीक्वेंस है सेकंड वाले में जाएंगे, यहाँ जो इफेक्ट पसंद आता है आपको आप उस इफेक्ट को उठाएंगे। मैं चाहता हूँ अब ये कंट्रोल सी कॉपी करेंगे, बैक वाले सीक्वेंस आएंगे, यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे और इसको पकड़ के सेंटर में ले आएंगे। जैसे ही यूज़ करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा, इसको रेंडर करना है दोस्तों, बताया कि रेड हो जाता है तो इसको ग्रीन में लाने के लिए रेंडर करना पड़ता है। मैं एक बार फिर से रेंडर कर रहा हूँ,
तो दोस्तों रेंडर हो चुका। अब इसी तरह से आप सीक्वेंस में जाएंगे, ग्रेंड या कोई भी इफेक्ट्स पसंद आता है आप अपने बैक वाले सीक्वेंस में आते लगाते जाएंगे दोस्तों। कि मैं दोनों इफेक्ट्स प्ले करके दिखा देता हूँ। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि इसका डाउनलोड लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर है, डाउनलोड करते जिप फाइल को ओपन कर लेना है, तो इस तरह से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं चाहता हूं कि ग्रैंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इससे भी अच्छी चीजें आपके इफेक्ट्स ट्यूटोरियल ला सकूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।